उपचुनाव में तेज हुआ प्रचार का शोर, जनता को लुभाने में जुटे उम्मीदवार। रामपुर में आजम खान ने संभाली प्रचार की कमान। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने केमरी में पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में जनसभा की। संबोधन के दौरान आजम खान ने जिन्ना और औरंगजेब का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान बंटवारा नहीं चाहते थे। उन्होंने बापू से आकर ये कहा कि बापू लोग हिंदू ये कहते हैं, लोग नहीं हिंदू ये कहते हैं कि तुम मुसलमानों से डर गए, लिहाजा तारीख लिखने वाला ये भी लिखता है कि ये वो लम्हा था जब वाकई बापू डर गए और बापू ने डर कर ये फैसला लिया कि हिंदुस्तान को बांट दिया जाए। आजम इतने पर ही नहीं रुके, अपने संबोधन में पैगंबर की शान में तौहीन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म की तौहीन करने वाला कभी गुरु नहीं बन सकता। पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने वाला या किसी भी धर्म के पेशवा की तौहीन करने वाला कभी गुरु नहीं बन सकता, विश्व गुरु तो बहुत बड़ी बात है। मौका चुनावी था, लिहाजा आजम खान ने अपने ऊपर हुई कानूनी कार्रवाइयों को याद दिलाया और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने की अपील की। हमारे को एहसास का इम्तिहान है, उन काली रातों का इम्तिहान है। मैंने किसी को खड़ा कर दिया है, खुदा न करे अगर शिकस्त का सामना हुआ मेरे ससुर और बढ़ जाएंगे। आजम खान के इस्तीफे के बाद रामपुर लोकसभा सीट खाली हुई है। समाजवादी पार्टी आजम खान के भरोसे ही रामपुर लोकसभा के उपचुनाव की पिच पर उतरी है। आजम के करीबी मोहम्मद आसिम रजा को ही पार्टी ने मैदान में उतारा है। रामपुर लोकसभा में मुस्लिम और हिंदू वोटरों की संख्या अमूमन समान है, मगर 10 बार के नतीजे बताते हैं कि यहां कांग्रेस से 4, एसपी और बीजेपी के 3-3 बार सांसद बन चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता चुनाव को क्या रुख देती है। टीम न्यूज स्टेट। आगरा के मेयर नवीन जैन नई कवायद शुरू करने जा रहे हैं।